Hi everyone, welcome back to a study. Friends, it's our most important questions of polity part, which is also called civics, and it's a part for and especially for MU, GMI, BHU, all these universities' entrance exam. Okay. एंड इट्स स्पेशली फॉर बी एल एल बी एंड बी एनर्स कोर्स एंड इसके पहले हमने और थ्री पार्ट अपलोड कर चुके हैं अब अगर अभी तक नहीं देखा आप लोगों ने तो चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी तो ये सब ये थ्री पार्ट देख के फिर यह देख देखिएगा अगर नहीं देखा तो ठीक है और हाँ जो लोग न्यूली uh, मतलब वीडियोस uh, देख रहे हैं पहले से जो लोग हैं इन लोगों को तो पता है सिलेबस सबसे पहला क्या है सिलेबस जानना बहुत जरूरी है ठीक है अगर वी एन आर्स के लिए अप्लाई किया तो क्या सिलेबस है जानना बहुत जरूरी है फिर uh, मतलब जो भी कोर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया तो ये जानना मतलब पहले पता चलना चाहिए uh, अपने सिलेबस इसके बाद पढ़ने जाए तो सही ट्रिक पे पढ़ाई होगी ठीक है जिनको पता है इनको इनके बारे में नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ जिनको पता नहीं है इनके बारे में बोल रही हूँ जैसे न्यूली स्टूडेंट जुड़ रहे हैं यानी न्यूली वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आप लोग पहले अपना सिलेबस देखिए फिर देखिए ठीक है so, सो और वीडियो स्किप नहीं करनी है जब क्वेश्चन uh, आंसर जब डिस्कस हो तो तब स्किप नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें होती है जैसे एक क्वेश्चन के रिलेट uh, इस, इसके बारे में बोलते हैं तो फिर ये भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक so, so, um, है गैज सो लेट्स द वीडियो सो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेंबरशिप स्ट्रेंथ इन लीक सभा हो ठीक है ति लोकसभा होगा मैं यहाँ पे लिख लिया तो मैक्सीम uh, लोकसभा तो मैक्सिमम मेंबरशिप uh, का स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा में फाइव फाइव टू ठीक है राइन और नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोपोजल मेड इन द हाउस ऑफ ए लेस्लेचर टू एसी ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड आज के बहुत सॉरीपोजल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में जो सब प्रपोजल बनती है तो यह सब का ये सब मतलब एलिसिड ए है बोले तो यानी जो लागू करने बाद में जो लेजिस्लेचर में क्या होती है आ, लेजिस्लेचर बोले तो ये आ, मतलब जितना लॉ है लॉ एंड ऑर्डर कंस्टिट्यूशन ने जो अपने हिसाब से तो कभी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते मतलब कंस्टिट्यूशन के हिसाब के चलना चाहिए उसको तो ये लेजिस्लेचर क्या है लॉ एंड ऑर्डर में जितना लिखा है वो सब uh, पहले मतलब वो करेगी लजिस्लेचर ही डिसाइड करेगी फिर इस, इसके बाद एग्जीक्यूटिव में जाएगी और एग्जीक्यूटिव वर्क करेगी क्या uh, वो सब मोल्ड करेगी कि कैसे करनी है एज एन एग्जीक्यूटर बोल के जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहती है ना तो इसको डिसाइड किया जाता है और इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोलेगा यानी वो इम्प्लीमेंट करेगा ठीक है तो जितना प्रपोजल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में होती है बनती है वो सब डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में मैंने पहले फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है मोशन क्योंकि मोशन बोले तो गति है तो ये यहाँ पे नहीं रहता है ना लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव पे जाती है तो इसलिए ये इसको ये टर्म क्या है यूज़ करते मोशन ठीक है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंडली इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग वाइस President जो इंडिया की है वो उसको इंडिरेक्ट द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मैंने उनको वाइस uh, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है uh, जैसे हम लोग हमारे लीडर को चूज करते हैं या लोगों के द्वारा वो लोग चूज होते हैं मतलब इन लोगों को चुना जाता है तो इन होती है ठीक है तो इनडिरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है कि किन सब मेंबर के द्वारा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के दो हाउसेस है ना हाउसेस क्या क्या है अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये दो मेंबर हाउस की हाउस की मेंबर्स मिलके वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन भी इम्पेस्ड बाई होम प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट को किनके द्वारा इम्पेस्ड किया जाता है पार्लियामेंट देन लोकल गवर्नमेंट आर द बेस ऑफ फुच लोकल गवर्नमेंट हमारे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब सबसे बेस्ट लेवल क्या है सबसे बेस्ट लेवल है लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट मतलब पहले आती है क्या रूरल एरियाज दैन आती है पान एरिया ऐसे ऐसे मतलब uh, सबसे बेस लेवल जो है डेमोक्रेसी की तो वो क्या है लोकल गवर्नमेंट है बेस लेवल बोलते बोल सकते हैं बेसिस बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है डेमोक्रेसी है सॉरी लोकल गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की ठीक है देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमैन राइट्स वाज एडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड बाई द इवेंट जेनरल असेम्बली ऑन हुइच ईर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमेन राइट्स जब एडॉप्ट हुआ था प्रोक्लेम हुआ तो इवेंट जेनरल असेम्ब्ली के द्वारा कौन सी ईयर पर मतलब कौन सी डेट थी नाइनटीन फोर्टी एट टेन दिसम्बर then planning commission of India established in हुई ईयर planning commission uh, established हुई थी कौन सी pe पे pe फिफ्टी पे um, और अभी ये क्या है uh, उस वक्त uh, जवाहरलाल नेहरू थे uh, पहला इसका चेयरमैन हाँ जो मतलब um, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो uh, चेयरमैन होते हैं ठीक है देखे? तो अब क्या हो गया ये टू थाउजेंड फिफ्टीन को नीति आयोग में कन्वाट हो गया डर आर्टिकल माइनॉरिटीज़ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दे आर चॉइज इन हुई आर्टिकल अंडर आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मायनोरिटीज़ को क्या गिवेन द राइट उनको राइट दिया गया इस्टाब्लिश करने का एडमिनिस्ट्रजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ने उनको किया क्या उनको राइट दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है ऑफ दियर चॉइस उनकी चॉइस के हिसाब से वो कौन से आर्टिकल पे मेंशन है आर्टिकल टर्टी ठीक है माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया समझ गया समझ आ गया शायद फिर बताती हूँ अंदर आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटी को ये राइट दिया गया है वो एडमिनिस्टर के द्वारा कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से मतलब ऑफ देयर चॉइस तो कौन uh, कौन से आर्टिकल है आर्टिकल टर्टी देन हुइट इज नॉट कंसिडर्ड क्वालिटी फॉर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मतलब uh, कौन सी क्वालिटी है जो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी में का हिस्सा नहीं है यानी देम, एज ए डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं होती वो है पावर्स आर लीगली बेस्ट इन ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये बोले तो क्या है डेमोक्रेसी ने हमको राइट दिया कि मतलब एजुकेशनल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब राइट दिया ठीक है लेकिन ये राइट नहीं है, दिया कि पावर्स एक के हाथ में दे दो और ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में दे दो पावर्स अ लीगली वेस्टर्ड मतलब पावर एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में दे दो यानी डिक्टेटर एज ए डिक्टेटर जो टर्म है वो वो उसके हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है मतलब जैसे एक पार्टिकुलर के हाथ में दे दिया सब पावर तो वो वो क्या करेगा वो अपने हिसाब से मतलब चलाने लग जाएगा अपने कंट्री हो अपने रीजन हो जो भी हो ठीक है तो डेमोक्रेसी ने हमको ये राइट नहीं दिया मतलब ये क्वालिटी डेमोक्रेसी के अंदर नहीं जाती है <coughs> मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ये डिक्टेटर के जैसे है तो ग, आ, और एक बात है गवर्नमेंट के हाथ में तो राइट सॉरी मतलब वो क्या कर सकती है वो एक कंट्री का मोल्ड करती है रु, रु, रु। तो आ, ये रान जब मतलब मोल्ड करती है कंट्री को तो ये क्या करती है कंस्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते कंस्टिट्यूशन जो बोलती है उसके हिसाब से चलना चाहिए चलना होता है ठीक है तो आई होप क्लियर होगी

मैं ऐसे ऐसे कवर किया कि जैसे आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो ये पॉलिटिक के हिसाब से भी लगा कि पॉलिटी में आती है ठीक है मैंने भी कहाल तो बताई ना एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे पॉलिटी आज जो हमारे कंट्री में जैसा अभी का कोरोना का सिचुएशन है पैंडेमिक सिचुएशन है वो आज के लिए हमारे क्या पॉलिटिक्स में ये हम इकोनॉमिक्स में हम कैसे इसको देखेंगे कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक इकोनॉमिकली हम मतलब हम तो डेवलपिंग कंट्री है हमारी कंट्री तो हमारे हमें क्या है इकोनॉमिकली हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम ये इकोनॉमिक की सेंस से देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी यानी हमारी इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है नहीं तो ये हम इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे फिर हम पॉलिटी पर जाएंगे तो ये पॉलिटी के जैसे अभी का सिचुएशन चल रही है तो ये पोलिटी के हिसाब से देखेंगे तो आज ये पोलिटी के अंदर आएगी कि आज ये चल रही है और पॉलिटी हमें क्या सॉरी और इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी हिस्ट्री पे मतलब लास्ट नेक्स्ट uh, जैसे लास्ट ईयर हुई थी कोरोना तो अभी क्या है वो तो चला गया ना तो ये हमारे हिस्ट्री के जैसे आ गया और कितनों साल अभी चलते है। जितना दिन चलता रहेगा उतना दिन ये क्या होगा हिस्ट्री हो जाएगा तो आपकी ये uh, मतलब जीके के अंदर तो सब आती है पॉलिटिक्स हिस्ट्री सब आती है तो इसलिए मैं खबर कर दिया ठीक है तो वार्कन वेनेस इनिशियटिव कौन से स्टेट ने लिया था मेघालय ने लिया था 2020 को ये सब भी क्वेश्चन आती है ठीक है एग्जाम में अच्छा ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल कि उन्होंने एबोलिस्ड किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल बेंगल पे तो वो कौन थे लॉर्ड और हेस्टिंग हस्टिंग्स ठीक है उन्होंने एबोलिस्ट किया था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेंगल पे ड्ल्थ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल उनको एबलिस्ट एबलिस्ट वो था वारेन हेस्टिंग्स थे हु हुज द फर्स्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेम्बली तो फर्स्ट टेम्पोरारी बोले तो मतलब परमानेंटली नहीं थे वो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा यहाँ पे यहाँ पे और मैं क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करी मतलब आपके जैसे वो कवर हो जाए मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या था वो टेम्प्री प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ठीक है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट थे कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके बाद तो ये का प्रेसिडेंट हुआ फिर कंस्टिट्यूंट असेंबली तो पहले मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बना था कंस्टिट्यूशन uh, कंस्टिट्यूशन um, को ड्राफ्ट करने के लिए कंस्टिट्यूंट असेंबली था तो <coughs> तो टेम्परारी uh, प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एच जी मुखर्जी आई होप आपका क्लियर हो गया ठीक है एंड ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइन्टीन फोटी नाइन को क्या हुआ था एंड ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन को ये अप्रूवड हुआ था ड्राफ्ट एंड ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ये uh, मतलब लागू हो गया यानी कंस्टिट्यूशन कंप्लीटली फॉर्म में आ गया और इसके बाद से uh, मतलब गवर्नमेंट भी मतलब कंस्टिट्यूशन uh, काम पे लग गया ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को कंप्लीट हो चुकी थी तो ये आ, का कितना सारा क्वेश्चंस कवर हो गया है में फर्स्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट टेम्पोरिरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट एच जी मुखर्जी ठीक है देन हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैनो टू औरजिनेट इन सभा देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मैं सर सभी इम्पोर्टेंट मतलब कवर किया यहाँ पे तो ये मोस्ट मोस्टली क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको नॉर्मल जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी बिल औरिजिनेट नहीं होती राज्यसभा में वो कौ? कौन सी बिल है मानी बिल मतलब सारे बिल क्या होती है पहले लोकसभा अगर वो क्या बिल बनाया फिर वो राज्यसभा में जाएगा वो राज्यसभा डिक्लेयर करेगी कि ये होगा फिर ये डिक्लेयर होता है ठीक है तो ऐसे कौन सी बिल है जो मतलब नहीं जाती है वो मानी बिल है राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होती देन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के सी राजा गोपालाचारी अभी तो स्टेट का मतलब गवर्नर है तो पहले क्या थी पूरा कंट्री की मतलब वो क्या फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया की तो कौन थे सी राजा गोपालाचारी देन कैबिनेट मिशन अराइब्ड इन इंडिया इन होल्स इयर कैबिनेट मिशन इंडिया पे अराइब्ड हुआ था कौन सी ईयर पे नाइनटीन इंडिया नाइनटीन फोर्टी सिक्स गाइज आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गई इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्लैरिटी देन फ्री फिल आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ